ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रवीण गुप्ता। दिल्ली में हुई हिंसा मामले से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मृतकों को मुआवजा देने और न्यायिक जांच की मांग की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE से कहा है कि उसे हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बोर्ड एग्जाम को लेकर स्थायी इंतजाम करने होंगे। हाई कोर्ट ने CBSE से कहा कि एक एक दिन एग्जाम टालने से छात्रों की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उनकी टेंशन और बढ़ रही है, इसलिए बोर्ड जल्द से जल्द उनकी परीक्षाओं को लेकर कोई स्थायी समाधान खोजे। इस बीच दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 20 तक जा पहुंचा है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सबसे ज्यादा घायल लाए गए हैं। कल रात से अब तक के दौरान ही 7 लोगों की जान गई है। हिंसा को लेकर अब जाकर सरकार जागी है। कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को हालात का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डोभाल ने देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डोभाल पुलिस अधिकारियों के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीरमपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया कि मैं पूरी रात काफी लोगों के संपर्क में था। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जल्द ही आर्मी को बुलाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।